हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 2024 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जिन जिन भी स्टूडेंट ने 2022 में क्या किया था, 2022 में डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लिया था और 2024 में अपना डी फार्मा कोर्स कम्प्लीट कर रहे हैं, तो इन स्टूडेंट को जो है एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इन्होंने जो एक एग्ज़ाम रिलीज किया जिसे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम के नाम से जाना जाता है। तो वह स्टूडेंट जो कि डी फार्मा कोर्स 2024 में कम्प्लीट कर रहे हैं उन्हें जो है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जो है एक एग्ज़ाम देना होगा जिसे डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम कहा जाता है। तो चलिए इसी के नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा कब होगा, किस भाषा में होगा, किन किन स्टूडेंट को पेपर देना होगा, कितने अटेम्प्ट में हम पेपर को देख सकते हैं, किस भाषा में पेपर है और पेपर का टाइम कितना होगा, पेपर लैंग्वेज क्या होगा, इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा यह नोटिफिकेशन जो है 14 सितंबर 2022 को जो है रिलीज़ किया गया था, बट जो यह जो नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया था इसी को जो है 2024 में इसमें चेंजेस कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो 2024 में जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसीजर वगैरह है इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन, जो एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की प्रोसीजर है, विधियां हैं, मेथड है, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, देयर शैल बी वन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी ऑफ 3.5 आवर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो एग्जिट एग्ज़ाम होगा वह कितने पेपर का होगा। तो इसका जो एग्जिट एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा केवल एक ही पेपर होगा। क्या होगा? एक पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर, जिसमें सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल आठ सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके। टोटल आठ सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के नाम भी दिए गए हैं। एक पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, आठ सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। और जो पेपर लैंग्वेज क्या होगा, तो पेपर लैंग्वेज जो होगा आपका वह ओनली इंग्लिश लैंग्वेज होगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज होगा वह इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। आप जो यहाँ पे हिंदी का नामो निशान भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। एंड यहाँ पे दिया गया है द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी ऑफ 3.5 आवर। जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन का टाइमिंग होगा वह जो है 3 घंटे 30 मिनट का टाइम होगा। 3 घंटे 30 मिनट का आपका टाइम रहेगा, मतलब कि 3.5 घंटे का आपका एग्जिट एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप सभी को टोटल दिख रहा होगा, टोटल 8 सब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे। 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएंगे वह कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो इन सब्जेक्ट को यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर देते हैं। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट हो गया, फिर फार्माकोलॉजी सेकेंड, फार्माकोग्नोसी थर्ड, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट, जो टोटल 8 सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं, इसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा। 3.5 घंटे का आपका पेपर होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टाइम की बात, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ए कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड ओनली इफ ही ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द पेपर। मतलब कि यहाँ पे अगर आप सबके मन में क्वेश्चन उठ रहा कि पासिंग, पास होने के लिए डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स या नंबर चाहिए, तो आपका जो पेपर होगा उसमें आपको कितने लाने, कितना परसेंट लाना होगा, 50% आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 50% लाना होगा, तभी आप जो डी फार्मा के एग्जिट एग्जाम में पास माने जाएंगे। देन यहाँ पे बात उठता है कि किन किन स्टूडेंट को देना होगा, तो जो भी बॉयज एंड गर्ल्स डी फार्मा का कोर्स जो है 2024 में कंप्लीट कर चुके हैं, अपन कर रहे हैं इन्हीं को जो है क्या होगा, डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ए कैंडिडेट सेल हैव टू पास द पेपर इन द सेम अटेम्प्ट। मतलब कि जब आपका डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम, मान लीजिए आपका डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम 2024 में हो रहा है, जो कि आपका क्या है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर पास कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जिट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कोई बात नहीं, आपको जो है सेकेंड
यहाँ पे आपको जो चांस दिया जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया हाउ इट देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट एग्जाम को अटेम्प्ट करने की जो संख्या है आप कई बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस पर जो किसी भी प्रकार का कोई रोक या प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। आप जो एग्जिट एग्जाम अगर नहीं पास कर पाते तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो एग्जिट एग्जाम दे सकते हैं। देन यहाँ पे बात उठता है कि एग्जिट एग्जाम जो है किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो इन सभी को हमने आपको ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे बात उठता है जो है एग्जिट एग्जाम जो होगा कब होगा, तो एग्जिट एग्जाम जो होगा वह आपका 5 से 6 अक्टूबर यानी कि 5, 6, 7 इन 3 दिन हो सकता है आपका एग्जिट एग्जाम हो। ज़्यादातर अभी डेट तो यही सुनाई रहा, जो डेट आया उसमें 5 से 6 अक्टूबर दिया गया, 7 अक्टूबर नहीं दिया गया, लेकिन अभी हम जब पढ़ेंगे नीचे पॉइंट में तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका एग्जिट एग्जाम का जो डेट है वह 5 से 6 अक्टूबर दिया गया है। देन यहाँ पे देख सकते हैं जस्टिफिकेशन फॉर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया क्या, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्जामिनेशंस ऑन 3 डे फॉर अराउंड 2 लाख कैंडिडेट, मतलब कि 2 लाख स्टूडेंट क्या होगा डी फार्मा का एग्जिट एग्जाम देंगे, जो कि कितने दिन में होगा, 3 दिन में, 3 दिन में आपका एग्जिट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको 2 लाख से ज़्यादा ही स्टूडेंट हो जाएंगे जो कि एग्जिट एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे जो है क्या होगा आपका एग्जिट एग्जाम 3 दिन में हो रहा, तो आपका 5 हो गया 6 हो गया एंड 7 इन्हीं 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर इन्हीं 3 दिन आपको जो है एग्जिट एग्जाम देना होगा, जिसमें 2 लाख+ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी गया इट विल आल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट, तो यह जो है क्या कर रहा है, जो वित्तीय मतलब जो वित्तीय भुगतान है या स्टूडेंट के लिए जो है बढ़ा रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है, मतलब इसमें स्टूडेंट का खर्चा जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली, तो और जो अगर यहाँ पे कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उसको वहाँ पे कमेंट में बता देंगे या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। बाकी हमने जो यहाँ पे सारी बातें बता दी कि आपका एग्जिट एग्ज़ाम जो होगा इस पेपर में मतलब इस भाषा में होगा, इतने टाइमिंग का होगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लोगों को देना होगा जो कि 2024 में डी फार्मा का कोर्स जो है कम्प्लीट कर रहे हैं, तो सभी को देना होगा। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट डी फार्मा कोर्स इन फ्यूचर करेंगे उनको भी एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पे हमने सभी आपके डाउट क्लियर कर दिए। अब बात रहता है कि आप जो है एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करेंगे, तो एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी की बात रही तो आप मेरे चैनल से भी कुछ कर सकते हैं, और बाकी आप जो है सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। क्या है, सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा बुक्स से, बाकी जो आप मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं, बाकी और अनदर चैनल जो है आप उसको भी ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बात रही एग्जिट एग्ज़ाम जो है हार्ड होगा कि ईजी होगा, तो वैसे जहाँ तक पता है कि एग्जिट एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है, तो एग्जिट एग्ज़ाम जो है वैसे हमको जहाँ तक पता है कि 90% चांस क्या है, 90% चांस है एग्ज़ाम जो होगा ईजी क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो आपने डी फार्मा कोर्स में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी टॉप टेक, जुड़े रहिए माय चैनल बायोलॉजी टॉप टेक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।